हमारे देश के जाने माने गांधीवादी कार्यकर्ता संदीप भाई संदीप पांडे मौजूद हैं। उन्होंने लंबा समय जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करने में बिताया है और सारे देश में वो जाने जाते हैं। पिछले समय बीएचयू से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उनको निकाला गया उनके जनवादी सरोकारों के कारण। आज वो हिमाचल प्रदेश में संभावना संस्थान में मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। संदीप भाई आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और हम जानना चाहेंगे कि अभी इन दिनों हम देख रहे हैं लगातार आप गंगा को बचाने का जो एक मुद्दा है उस पर भी सक्रिय है, आप बताना चाहेंगे उसके बारे में? जी मैं सीधे तो इस विषय पे काम नहीं करता हूँ। मैं वहाँ पे तब गया जब प्रोफेसर जीडी अग्रवाल बैठे हुए थे अनशन पे पिछले साल। बहुत जाने माने वैज्ञानिक रहे हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पहले सदस्य सचिव थे। एक तरीके से भारत में प्रदूषण को लेके जो नियम बनाए गए हैं उनको उनकी शुरुआत करने वाले वो थे और उनके बनाए कई नियम आज भी उनका पालन किया जाता है। तो 2011 में साधु बन गए थे और गंगा के संरक्षण के लिए एक कानून की मांग को लेके और गंगा अविरल और निर्मल बहे इसको लेके उन्होंने कई अनशन किए। मनमोहन सिंह की सरकार में भी 5 बार अनशन किया लेकिन कभी ये नौबत नहीं आई कि उनकी जान जाए। और उस सरकार ने उनकी कुछ बातें मानी भी, जैसे भागीरथी नदी जो गंगा का शुरुआती हिस्सा है उसका 135 किलोमीटर पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया, इको सेंसिटिव जोन, यानी उस पर अब कोई बांध नहीं बनेगा। और उस पर जो लोहारी नागपाला पनबिजली परियोजना बनाई जा रही थी और 1,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे उसको मनमोहन सिंह ने रुकवा दिया, ये कहते हुए कि हमारे लिए पर्यावरण को बचाना जरूरी है, बिजली तो हम कहीं और भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन जब वो नरेंद्र मोदी की सरकार में अनशन पे बैठे और नरेंद्र मोदी को 4 चिट्ठियां लिखी, 2 अनशन शुरू करने के पहले 2 अनशन के दौरान, तो उनसे उनकी बात सुनी नहीं गई। मिलने के लिए सिर्फ उमा भारती आई जिनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था कोई निर्णय लेना। नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री उनसे मिले नहीं और प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जो स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से जाने लगे थे वो 112 दिन अनशन पे बैठने के बाद उनका देहांत हो गया एम्स ऋषिकेश में। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है क्योंकि जब पिछली सरकार उनसे बातचीत करके उनके अनशन खत्म करा देती थी तो इनका भी अनशन खत्म कराया जा सकता था, लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक और साधु की जान नहीं बचाई गई, ये बहुत अफसोस की बात है। उसके बाद ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद जो उसी आश्रम के साधु हैं जहां प्रोफेसर अग्रवाल अनशन पे बैठे थे, मातृ सदन, जिसने गंगा में अवैध खनन के खिलाफ अब तक 60 अनशन किए हैं उस आश्रम ने, जिसमें उनके प्रमुख स्वामी शिवानंद भी अनशन पे बैठे हैं, तो 194 दिन तक ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद अनशन पे बैठे रह गए। और जब 5 मई को उन्होंने पानी छोड़ने का ऐलान कर दिया तब 4 मई की शाम को नेशनल क्लीन गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने आके और उनकी ये मांग मान के कि अवैध खनन सारा बंद कराया जाए, बांधों पे उन्होंने कहा कि वो विचार करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन बांधों पे 50% से कम काम हुआ है उन परियोजनाओं को रोका जा सकता है, और उन्होंने ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद का अनशन खत्म कराया। और इसलिए भी अनशन खत्म कराया गया क्योंकि अगर 5 मई को ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद अनशन पानी छोड़ देते और उनकी भी मौत हो जाती तो 19 मई को बनारस में होने वाले चुनाव पर उसका असर पड़ सकता था, क्योंकि 2 साल के अंदर 2 साधु मर जाए अनशन करते हुए, ये बात जो है शायद लोगों को चुभती। ये मुद्दा बनारस में उठ चुका था गंगा का, हम लोगों ने एक वहाँ पर बैठक की थी जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके कई सारे जो साधु थे उनके अनुयायी वो वहाँ पे आए और उन्होंने ये बताया लोगों को कि किस तरह से गंगा
के नाम पे पैसा तो बहुत खर्च हो रहा है लेकिन गंगा की सफाई नहीं हुई है, बल्कि गंगा पहले से गंदी हुई है। कुंभ तक में गंगा का पानी साफ नहीं था और वो तो अगर नहरों के माध्यम से टिहरी, नरोरा, बिजनौर, हरिद्वार वगैरह से नहरों के माध्यम से पानी नहीं लाया गया होता तो वहाँ नहाने भर का भी पानी नहीं था। और कृत्रिम तरीके से 15 जनवरी से 4 मार्च तक वहाँ पानी बना के रखा गया और उसके बाद छोड़ दिया गया। तो प्रोफेसर अग्रवाल का कहना था कि इस तरह से कृत्रिम तरीके से आप नदी को साफ नहीं कर सकते। अगर आपको गंगा को साफ करना है तो आपको उसको अविरल, यानी कि उस पर कोई बांध नहीं बनाना पड़ेगा, अविरल बहने देना होगा और उसको निर्मल बहने देना होगा, जिसका मतलब है कि जितने गंदे नालों के पानी नदी में गिराए जा रहे हैं सीवर के, वो पानी गिराना आपको बंद करना पड़ेगा। प्रोफेसर अग्रवाल का कहना था कि सीवर को तो साफ करने के बाद भी नदी में नहीं डालना चाहिए, उसका इस्तेमाल सिंचाई या अन्य कामों के लिए होना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार जो कर रही है 23,000 करोड़ का बजट नमामि गंगे का, उसमें से 7,000 करोड़ खर्च हो गया है, उसका बड़ा हिस्सा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने में खर्च हो रहा है। बांध तो बनने जारी हैं, 4 धाम परियोजना के नाम पे बद्रीनाथ, केदारनाथ और हरिद्वार ऋषिकेश को जोड़ा जा रहा है हाईवे से। प्रोफेसर अग्रवाल का कहना था कि सड़क बनाने के लिए पहाड़ आप काट रहे हैं, वो सारा मलबा नदी में गिर रहा है, फिर जो पर्यटक आएंगे उनकी वजह से प्रदूषण बढ़ेगा, तो आप तो नदी का नुकसान ही कर रहे हैं। लेकिन इस देश में चूंकि निर्माण के काम में बहुत भ्रष्टाचार है, इसलिए सरकार के लिए भी सुविधाजनक है, नौकरशाही के लिए भी सुविधाजनक है और ठेकेदारों के लिए तो है ही है। तो कुल मिला के हमारी सरकार गंगा के नाम पे पैसा कमाने का कार्यक्रम चला रही है, उसको गंगा की सफाई से कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जिस जल संसाधन मंत्रालय का नाम 2014 में जल संसाधन, नदी घाटी विकास और गंगा संरक्षण रखा गया, उसको बिना किसी प्रचार के, बिना किसी पूर्व सूचना के 2019 में उस मंत्रालय का नाम जल शक्ति कर दिया जाता है, उसमें से गंगा का नाम हटा दिया जाता है। क्योंकि सरकार के लिए अब ये इस सवाल का उत्तर देना बहुत मुश्किल हो गया है कि 7,000 करोड़ रुपए खर्च करके गंगा गंदी कैसे हो गई पहले से, और प्रोफेसर अग्रवाल की जान क्यों गई, मात्र सदन के साधु बार बार अनशन पे क्यों बैठ रहे हैं। इन सवालों का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और मेरे ख्याल से दूसरी बात जो सरकार कहने की कोशिश कर रही है जल शक्ति नाम रख के, कि वो जल का इस्तेमाल शक्ति के लिए करेगी, वो जल का इस्तेमाल बांध बनाने के लिए, बांध से बिजली बनाने के लिए करेगी, भले ही GD अग्रवाल जैसे कितने लोगों को अपनी जान देकर अपने संघर्ष की कीमत चुकानी पड़े। सरकार को इस पे बिल्कुल भी कोई, इसके प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े वैज्ञानिक और साधु की बात, और मात्र सदन के उन साधुओं की जो अपनी जान भी देने को तैयार हैं गंगा को बचाने के लिए, उनकी बात न सुन के धर्म और गंगा के नाम पे वोट लेने वाली ये सरकार लोगों को बेवकूफ़ बना रही है और सिर्फ इन परियोजनाओं से पैसा कमाने का कार्यक्रम चला रही है। गंगा में वो जहाज भी चलाना चाहते हैं, हावड़ा से जो पहला जहाज आया बनारस, जिसको स्वयं प्रधानमंत्री ने जाके जिसकी अगवानी की, उसमें पेप्सी कोला का सामान लाए, तो किस लिए आप जहाज चला भी रहे हैं। और कितनी विरोधाभासी बात है कि एक तरफ आप बांध बना के पानी रोकना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप उसमें जहाज भी चलाना चाहते हैं। तो एक तरफ जहां शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया, यानी इंसानों को भी एक संसाधन बना दिया पैसा, पूंजी और मुनाफे के लिए, वहीं दूसरी तरफ अब पूरे पानी को भी संसाधन बना करके उसको भी मुनाफा कमाने की एक चीज बनाया जा रहा है। तो ये बहुत चिंता की बात है। तो संदीप भाई आज हमारे साथ थे फेसबुक लाइव में, और उन्होंने गंगा को लेकर के जो आज की स्थिति है उस पर अपना बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर समय मांगेंगे, तब तक के लिए नमस्कार जी, नमस्कार।